ऐसे करते करते भांगना करने लगना। 9:05 है तो 10 मिनट आप आराम ले सकते हो। वाईफाई का सिग्नल नहीं गया है। So guys, work is still going on. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 6:25 इन द मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना वर्क फ्रॉम होम रूटीन, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग। वैसे तो मेरा जो वर्क फ्रॉम होम है वो 9 to 6 स्टार्ट होता है, बट उसके पहले क्या कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, आज मैं वही शूट करने वाला हूँ। यानी कि ये ब्लॉग का कंटेंट रहेगा माई वर्क फ्रॉम होम रूटीन। तो सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम है वो है पानी पीना, उसके बाद फ्रेश होऊंगा, जो मैं चना वगैरह सोख के रखता हूँ मैं वो खाऊंगा, फिर चलूंगा छत पे और मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ नॉर्मली करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा और छत का व्यू दिखाऊंगा, मॉर्निंग व्यू क्या है। आप अभी तक आप लोगों ने छत का व्यू नहीं देखा है यहाँ पटना में, तो बने रहें ब्लॉग में और इन्जॉय करो। चल तो क्या सोचोगे आप लोग बालकनी में ये क्या रखा हुआ है? तो भाई ये है मेरा लाइट स्टैंड, एक लाइट स्टैंड यहाँ रखा है और एक लाइट स्टैंड मैं यहाँ रख दिया हूँ। तो जी मैं आ चुका हूँ अभी अपने छत पे और शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाया जाए। और आज लगता है कि बारिश होने का मूड है, बिकॉज अभी तक धूप नहीं निकला है, 7 बजने को है अराउंड। तो यहाँ से देखो ये है कुछ व्यू, और आज लग रहा है बारिश होगा बहुत तेज, बिकॉज अभी तक धूप नहीं आया, 7 बजने को है। और इधर का भी आप व्यू देखो, ये पुराने पुराने अपार्टमेंट्स भी हैं इधर, बाकी नए नए बन रहे हैं। तो गाइस यही था कुछ व्यू, और चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज और फिर मिलते हैं आपसे। अब करूंगा बैकवर्ड रोटेशन। सो नाउ इट्स टाइम टू डू साइड रोटेशन। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे जिम ज्वाइन नहीं किया हूँ, सोचा खुद से ही करता हूँ एक्सरसाइज नॉर्मल जो होता है, बिकॉज जिम जाने का टाइम वैसे भी नहीं है, जॉब भी करना है और मेन कंटेंट भी यूट्यूब भी शूट करना है, उसको भी टाइम देना होता है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए 15-20 मिनट कोशिश करता हूँ कि छत पे आके जिम कर लूँ, जिम नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मल एक्सरसाइज कर लूँ, योगा कर लूँ, जो जो भी बोल सकते हो आप। रोटेशन डन। एक चीज मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखकर दिल्ली वाला फील आ रहा है, इतने कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले पानी पीना जरूरी है भाई। आप लोग बोलोगे एक्सरसाइज तो किए नहीं उतना, ये देखो धूप भी निकल गया। जो लेफ्ट लेग है वो राइट हैंड के साथ जाएगा और जो राइट लेग है वो लेफ्ट हैंड के साथ जाएगा। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रंचेस। नाउ इट्स टाइम टू डू द ट्विस्ट डांस। एक्सरसाइज में बड़ा मजा आता है। ऐसे करते करते भांगना कर लेना, पानी पीते रहना, पानी पीना बहुत जरूरी है भाई, बिना पानी कुछ नहीं है, इसलिए मैं पानी लेके चलता हूँ जहाँ भी आता हूँ, स्पेशली वर्कआउट में। नाउ सिंपल जंप करेंगे अब। सो नाउ इट्स टाइम टू डू जंपिंग जैक्स। डन विद एक्सरसाइज, और जितना हो सकता था उतना मैंने किया, और धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कॉलेज को इम्प्रूव करूँ। और आज तो धूप भी नहीं था तो और मज़ा आया। तो गाइस मैं ऑफ कैमरा थोड़ा सा एक्सरसाइज और किया और अभी देखो पूरा पसीने से मैं भीग गया। अभी चलता हूँ नीचे, फ्रेश होता हूँ और फिर 9 बजे अपना वर्क फ्रॉम होम है,
तो वो करता हूँ, थोड़ा बहुत बीच में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, शूट करूंगा। तो भाई नीचे आने के बाद सबसे पहले अपन पूछे ये फैन, ऐसा लग रहा है मैं स्नान करके आ रहा हूँ अभी। माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड। ब्रेकफास्ट इज डन और अभी मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज 9:05 है तो 10 मिनट आप आराम ले सकते हो, 9:15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर देखते हैं मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो मैं टाइम टू टाइम भूल जा रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे याद करना पड़ रहा है कि अच्छा आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब अपना रूटीन दिखा रहा हूँ। सुबह से भी टाइम हो गए हैं 2:53 और अभी लंच टाइम है तो अभी मैं थोड़ा देर ब्रेक लूंगा। इसी के साथ बाहर का वेदर देख लो आप, अभी पटना में पूरा बारिश हुआ है, ये देख लो यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मजा आ रहा है। और एक चीज शौक का बात यह है कि इतना बारिश में भी वाईफाई का सिग्नल नहीं गया है और लाइट भी नहीं गया। सो गाइस वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, नाउ इट्स टाइम टू हैव सम food. So now it's 5:22. So work is still going on. Now it's 6:07. So guys, अभी काम खत्म करके मैं बैठा हूँ और बाहर जाने का मन था। यूजुअली मैं काम खत्म करने के बाद बाहर जाता हूँ, कुछ खाने पीने का मन करा तो खाता पीता हूँ, नहीं तो फिर मैं रूम पे ही रहता हूँ। फिलहाल आज बारिश हो रहा है बाहर में तो मैं रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा, जो क्यों बाहर जाता हूँ तो जल्दी मिल्क शेक वगैरह पीता हूँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, कुछ सब्जी वगैरह लेता हूँ, सब कुछ है तो आज फिर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है और बारिश भी हो रहा है। तो इसलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग इंटरटेनिंग लगा हो, थोड़ा मजा आया हो, मतलब ट्रैवल ब्लॉग के अलावा भी मैं बीच बीच में आपको लाइफस्टाइल ब्लॉग देता रहूंगा। तो अगर चैनल पे नया हो और चाहते हो कि मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको मेरा ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो प्लीज।